फ्रेंड्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री में पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हमारी पहली हेडिंग होगी रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब हम किसी पदार्थ में किसी पदार्थ को मिलाते हैं, जैसे कि हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो हमारा शरबत बन जाता है, नमक मिलाते हैं पानी में तो शरबत बन जाता है। तो इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक जब हम दो पदार्थों को मिलाते हैं, जब हम दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं आपस में तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रियाएं प्रयोगशालाओं में भी की जाती हैं, तो वहां पर आसानी से पदार्थों का निर्माण होता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे, आवर्त सारणी थी, उसमें पदार्थों को उनके प्रतीकों के रूप में, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H से, ऐसे ही सभी तत्वों को उनके प्रतीक के रूप में लिखते थे। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण, इसमें हम पदार्थों को उनके नाम के रूप में लिखेंगे, जैसे कि हम मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को मिलाएंगे, मैग्नीशियम रिबन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो हमारे किस पदार्थ का निर्माण हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने यहां पर दो पदार्थों को मिलाया तो हमारा एक नया पदार्थ बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम बोलेंगे पूरी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया। और यह है हमारा रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका, रासायनिक समीकरण यह है। और इसको हम सही तरीके से कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने का एक तरीका है रासायनिक समीकरण लिखना, क्योंकि अगर हम उसको शब्दों के रूप में लिखेंगे तो हमारी रासायनिक समीकरण बहुत ही लंबा हो जाएगा, और अगर हम उसे शॉर्टकट में छोटे छोटे अक्षरों में लिखेंगे तो आसानी से हम रासायनिक समीकरण कर लेंगे। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो हम रासायनिक समीकरण लिखना पड़ेंगे। रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है, तो हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ये तत्व है, ये भी तत्व है,
और ये हमारा यौगिक बन गया है। तो इनको हम अणुओं और परमाणुओं के रूप में लिखेंगे। मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, प्लस ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, गैस को हम अणु के रूप में लिखते हैं। तो एरोदेन क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, MgO बन गया। तो हमारा है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो हम इसमें किसमें अणुओं या परमाणुओं यौगिकों में उनकी जो संख्याएं होती है, मात्राएं होती हैं, उनको हम संतुलित कर दें, यानी पदार्थों की दोनों तरफ उत्पाद और अभिकारक दोनों को बराबर कर दें, तो हमारा बन जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण यदि हम तत्वों यौगिकों और अणुओं परमाणुओं को दोनों तरफ, तीर के आगे भी तीर के पीछे भी, दोनों तरफ हम उनके परमाणुओं की मात्राओं को बराबर कर दें, तो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा Mg और O, क्या था Mg और O2, Mg प्लस O2 क्या बना था MgO। तो देखेंगे क्या इसमें परमाणुओं की संख्याएं बराबर हैं। पहले हम इधर देखेंगे Mg एक है और ऑक्सीजन दो है, इधर Mg एक है और ऑक्सीजन भी एक है, तो क्या करें कि दोनों तरफ मात्राएं बराबर हो जाएं। तो हम, ये हमारा धातु है, धातु में हम आगे गुणा करते हैं, तो इधर कितने से गुणा कर दें, दो से, और ऑक्सीजन में, इसमें ऑक्सीजन में दो है पहले से, MgO में इधर भी मैग्नीशियम अब दो हो गया और ऑक्सीजन भी दो हो गया, इधर दोनों एक एक हैं, यदि हम दोनों में दो से गुणा कर दें तो ये दो हो जाएगा और ये भी दो हो जाएगा। अगर ये गुणा में है, आगे गुणा करेंगे तो दोनों में गुणा होगा, अब दोनों तरफ समान हो गए। तो ये है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। आइए अब हम कुछ और रासायनिक समीकरण को देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाने पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। जिंक को, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल एरोदेन जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन है, तो हम इनको पहले रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जिंक को ZN से लिखते हैं, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, एरोदेन क्या बना है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2, तो क्या इसमें बराबर है दोनों तरफ, यदि बराबर है तो बराबर नहीं करेंगे, अगर नहीं बराबर है तो उसे संतुलित करेंगे। तो इधर देखेंगे जिंक, जिंक एक है, हाइड्रोजन दो है और सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है, और इधर जिंक एक है, सल्फर भी एक है, ऑक्सीजन चार है, हाइड्रोजन
दो है, तो इसमें एक तीन चार चार आठ, चार दो छह दो आठ, तो इसमें परमाणुओं की संख्याएं बराबर हैं। देखिए जिंक भी एक है, जिंक एक है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन इधर चार है, ऑक्सीजन इधर चार है। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है पहले से ही। तो अगला है हमारा Fe प्लस जल, आयरन प्लस जल, आयरन प्लस जल एरोदेन, हम डायरेक्ट इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिख देते हैं। यफी आयरन है तो आयरन को यफी से लिखेंगे, प्लस H2O प्लस Fe3O4, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन H2, तो हम इसमें संतुलित करेंगे। संतुलित आयरन को पहले देखेंगे, सबको ऐसे क्रम से लिख लें, या फिर H O, इधर क्या है या फिर है, हाइड्रोजन वो कितना है है दो है, ऑक्सीजन एक है, या फिर तीन है, ऑक्सीजन चार है, हाइड्रोजन दो है, तो हम इसमें या फिर इसमें कितने से गुणा कर दें कि दोनों तरफ बराबर आ जाए। तो इसमें या फिर तीन है तो हम इसमें तीन से गुणा कर दें, और हाइड्रोजन दो है इधर भी दो है, ऑक्सीजन चार है से गुणा कर दें तो ऑक्सीजन को चार तब करेंगे, हाइड्रोजन हमारा बढ़ गया, चार दूनी आठ हो गया, तो इधर हम चार से गुणा कर दें हाइड्रोजन में भी, तो हमारा दोनों तरफ देखें अब बराबर हुआ कि नहीं। अब यह भी इसमें तीन हो गया है, हाइड्रोजन आठ हो गया है और ऑक्सीजन भी चार हो गया है, और इसमें यह भी तीन है, ऑक्सीजन चार है, हाइड्रोजन आठ हो गया है। अब देखते हैं यह भी तीन, यह भी तीन, हाइड्रोजन आठ, हाइड्रोजन आठ, ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार, तो बराबर है, तो हमारा ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। आगे भी कोई है कि नहीं, एक है CO प्लस टू एच टू सी एच थ्री ओ एच, इसको देखे बराबर करके, CO प्लस टू एच टू क्या बना है, सी एच थ्री ओ एच, इसको क्या करना है, ये पहले से संतुलित किया हुआ है, इसको हम जैसे कि लिक्विड है, गैस है या फिर कोई मिश्रण है, तो इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर क्या दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको हम भौतिक अवस्था के रूप में कैसे लिखते हैं, भौतिक अवस्था, इसमें कुछ तापमान भी दिया गया है 340 एटीएम, एटीएम वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फियर, इसीलिए एटमॉस्फियर से इसको शॉर्टकट में, एटमॉस्फियर माने वायुमंडल शायद होता है, एटमॉस्फियर माने वायुमंडल, तो फिर एटमॉस्फियर वायुमंडलीय दाब होता है, तो फिर इसको हम एटीएम से शॉर्टकट में एटीएम से लिखते हैं, तो यहाँ पर 340 वायुमंडलीय दाब दिया गया है, तो ये हमें इसकी भौतिक अवस्था के रूप में लिखना है कि कौन गैस है, ठोस है, द्रव है या फिर मिश्रण है, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो गैस ही है, इसको हम छोटे ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं,
और ये भी गैस ही है, हाइड्रोजन गैस। इसको तो सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस। और ये क्या है, लिक्विड है, क्योंकि मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल तो आप सभी जानते हैं किसे कहते हैं, बताने की जरूरत नहीं होगी। एथेनॉल शराब को बोलते हैं, इसका सूत्र C2H5OH होता है, जिसको शराब बोलते हैं, इसे हम एथेनॉल बोलते हैं। एथेनॉल ये हमारा IPAC नाम है। और ये क्या है, लिक्विड है। और एक और दिया गया है इसमें, तो उसको भी हम देख ही लेते हैं, देखने में क्या जाता है। तो हमारा है 6CO2। अब हम इसको रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण को डायरेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे या फिर आप लिखेंगे हिंदी में तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको शॉर्टकट करने के लिए यहाँ पर उसके तत्व के प्रतीकों के रूप में लिखा जाएगा। तो 6 CO2 है और 12 जल है, 12H2O। इसको हम सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल, यहाँ पर क्लोरोफिल है, तो क्या बना है, ग्लूकोस बना है, 6C H12O6, 6C C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं, और बना है 6CO2, 6CO2 और जल है, और जल है। इसको कहो तो पहले संतुलित कर दें, इसको मिटाकर कैसे किया हुआ है, यहाँ पर पहले से किया हुआ है, तो हम लोग अपने आप से करेंगे। देखिए इसमें पहले क्या क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इधर भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो कार्बन इसमें एक है, ऑक्सीजन 2, 1, 3 है, हाइड्रोजन 2 है, और इसमें कार्बन कितना है, 6, 7, 7 कार्बन, हाइड्रोजन 12, 13, 14 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 6, 2, 8, 1, 9। इसमें ज्यादा है बहुत, इसमें बहुत कम है, तो हम लोग इसको कैसे संतुलित करें। पहले इधर देखते हैं कितना है इसमें, ये जल, पहले ज्यादा वाला देखेंगे, जल कितना है, 12, 12, 2, 14। तो इसमें हम कितने से गुणा कर दें, 12 से गुणा कर दें, तो 12 2 24 हो गया, और इधर 12 और 2 ही है, तो इसमें अब इसमें संतुलित करेंगे, इसमें 24 हाइड्रोजन हो गया है अब, और इधर 14 है, अगर इसमें हम 6 से गुणा कर दें तो 6 2 12 और 12 12 24 हो गया। और अब क्या संतुलित करें, ऑक्सीजन को देख लें या फिर कार्बन को, इधर क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है तो फिर 9 है, तो इधर हम 6 से गुणा कर दें, 6 2 12 12 12 24 हो गया, इधर 6 है, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन हो गया है, इधर 2 है, तो अगर हम 6 से गुणा कर दें, 6 2 12 प्लस 12 हो गया, 12 12 24, तो इधर भी ऑक्सीजन 24, इधर भी ऑक्सीजन 24, हाइड्रोजन भी 24, इधर भी 24। अब बचा है कार्बन, कार्बन 6 कार्बन इधर, 6 कार्बन इधर,
छह कार्बन इधर, छह कार्बन इधर, नहीं यहां पर कार्बन नहीं है, तो छह कार्बन इधर, छह कार्बन इधर, तो पहले से ये तो अपने आप बराबर हो गया। तो हम पहले बड़ा वाला बराबर कर देंगे तो छोटा वाला अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसमें हमें लिखना है कौन सा, इसकी भौतिक अवस्था को लिखना है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? सुनने में तो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, परंतु इसमें मिश्रण मिला हुआ है किसका किसका, कार्बन का और ऑक्सीजन का। तो ये क्या हो गया? मिश्रण हो गया, एक्वेरियम। और ये क्या है? जल है, जल तो जल है, और ये भी मिश्रण है, ग्लूकोस, क्योंकि कार्बन मिला हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो गैस है, और ये भी लिक्विड है। कभी कभी जल को हम वाष्प के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे हम गैस भी लिखते हैं। जब हम जल को वाष्प के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसे हम गैस भी लिखेंगे। तो आगे है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि हम पदार्थों को मिला दें या फिर उसमें से पदार्थों को निकाल दें, पदार्थों को मिला दें या फिर निकाल दें। तो कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया है हमारी संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब जोड़ना होता है, ऐड करना। तो फिर हमारा एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे हम पानी ले लें प्लस क्या मिला दें, आगे तो आप सभी जानते हैं कि क्या मिलाना है, चीनी मिला दें और नींबू मिला दें, और क्या मिलाते हैं, नमक भी मिलाते हैं थोड़ा बहुत, नमक मिला दें, और कुछ मिलाते हैं कि हो गया इतना बहुत है, तो हमारा क्या बन जाता है? शरबत। तो फिर इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो एक पदार्थ का निर्माण होता है। तो फिर एक पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोले? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है। तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, जैसे
जैसे में हम हाइड्रोजन मिला दें H2+O2, क्या बन जाता है? H2O। इधर हम दो से गुणा कर दें, इधर भी दो से गुणा कर दें, तो हमारा बन जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, और साथ ही साथ बन गया संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण। तो इसमें हमारे बुक में क्या उदाहरण दिया गया है कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड CaO, CaO ये है हमारा बिना बुझा चूना यानी कली चूना। तो इसमें हम जब पानी डाल देते हैं, बिना बुझे हुए चूने में पानी डाल देते हैं, तो हमारा बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है। और बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइज प्लस कुछ ऊष्मा निकलती है। जब हम कली चूना में यानी बिना बुझे हुए चूने में पानी डाल देते हैं, जैसे कि हम यूरिया में पानी डालते हैं, तो उसमें से कुछ ऊष्मा निकलती है। आप लोग प्रैक्टिस बहुत बार कर चुके होंगे, जब हम यूरिया में पानी डालते हैं तो उसमें से भी कुछ ऊष्मा निकलती है। इसी प्रकार ये भी बहुत ऊष्मा थोड़ा बहुत उत्पन्न कर देता है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में जल को मिलाते हैं तो हमारा बुझा हुआ चूना और कुछ ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्मा ये ऊष्मा के रूप में है, तो उत्पाद हमारा सिर्फ इतना है, तो एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है, तो इसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो एक और उदाहरण है, छोटा सा बहुत प्यारा सा उदाहरण, कि जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ यानी कोयले का दहन, ऑक्सीजन के साथ कार्बन को दहन करते हैं, यानी कार्बन तो हमारा कोयला है, कार्बन को जब दहन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ही संयोजन अभिक्रिया का एक जबरदस्त उदाहरण है कि जब हम कोयले का दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, और इसमें एक बात, संयोजन अभिक्रिया में एक और बात इसमें छिपी हुई है, जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड वाला CaO+ जल मिलाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड CaOH प्लस कुछ ऊष्मा निकलती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का निर्माण होता है यानी जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ, ये हमारा उत्पाद है और ये अभिकारक है, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है उस अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया क्या है?
क्या है ये वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब वियोजित होना, संयोजन मतलब जोड़ना, वियोजन मतलब टूटना। तो फिर जब एकल उत्पाद, जब एकल, जैसे कि हमारा संयोजन अभिक्रिया में इधर ए प्लस बी मिलकर ए बी बन रहा था, तो इसके विपरीत, तो इसको हम अभिकारक बना दें ए बी, तो ए प्लस बी, तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया, ये हमारा वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसको हम अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद, तो क्या लिखेंगे छोटे छोटे अक्षरों में कि जब एकल अभिकारक, जब एकल अभिकारक छोटे छोटे परमाणुओं या तत्वों में टूट जाता है, छोटे छोटे तत्वों या परमाणुओं में, या फिर इसको ये अभिकारक था तो छोटे छोटे उत्पाद में, कुछ भी लिख दें सब सही है। टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, यानी एक अभिकारक रहेगा जैसे ए बी, तो फिर इसको हम गर्म करेंगे या फिर किसी विधि द्वारा टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब हम इसे गर्म करेंगे तो इधर ए प्लस बी ये छोटे छोटे उत्पाद प्राप्त कर देगा, जिसे हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। इसके कुछ उदाहरण है जैसे चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब हम इसको गर्म करेंगे तो बनेगा क्या? CaO प्लस CO2। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और बिना बुझा चूना प्राप्त हो जाएगा। तो इसके अन्य उदाहरण जैसे AgCl, AgCl है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो Ag बचेगा और Cl2 गैस निकल जाएगी। तो इसको हम संतुलित करने के लिए इधर दो से गुणा करेंगे, तो सिल्वर भी दो हो गया है और कैल्शियम, ये क्लोरीन है, क्लोरीन दो पर इधर है, इसीलिए हम इसमें अगर दो से गुणा कर दें तो सिल्वर भी दो हो जाएगा और क्लोरीन भी दो हो जाएगा और इधर भी समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो अगला है हमारा AgBr, अगला एग्जाम्पल AgBr, जब हम इसको गर्म करेंगे तो Ag प्राप्त होगा और Br2, तो अब Br2 है, इधर भी हम 2 से गुणा कर देंगे तो Ag 1 है, तो इधर Ag 2 हो गया है, तो इधर भी हम 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा Ag प्लस Br2। तो ये हमारा संतुलित हो गया है और वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी। अगली अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से या फिर उसके मिश्रण से उसे विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है, तो उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया
एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके मिश्रण से हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है। तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि क्लास में स्टूडेंट बैठे रहते हैं तो फिर जो स्टूडेंट अधिक ताकतवर होता है अपने से कमजोर स्टूडेंट को हटाकर उधर खुद बैठ जाता है। तो इसी प्रकार जो तत्व तो ज्यादा क्रियाशील रहेगा, ज्यादा पावरफुल रहेगा, अपने से कम क्रियाशील को हटा करके उसके मिश्रण में स्वयं बैठ जाएगा, तो उसे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, यानी विस्थापित कर देगा उसको। तो जैसे उदाहरण है हमारा आयरन, आयरन है प्लस 1 बिलियन है कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का विलयन है, और फिर ये आयरन जो है कॉपर को हटा करके उसका स्थान स्वयं ले लेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो क्या बन जाएगा? FeSO4, FeSO4, ये आयरन कॉपर को विस्थापित कर दिया है, तो कॉपर इधर बाहर निकल गया अपने विलयन से, और जिंक, जिंक धातु जिंक हो गया प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन, तो फिर जिंक धातु कॉपर को हटाएगा तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर विस्थापित, कॉपर विस्थापित हो गया और जिंक ने उसका स्थान ले लिया। तो जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील था तो या फिर एक तत्व दूसरे तत्व के विलयन से उसको हटा करके, एक तत्व दूसरे तत्व के विलयन से हटा करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है तो उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया हम लोग श्रृंगार रस के संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस से आसानी से समझ सकते हैं, उसी से बनता है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अब क्रियाएं द्विविस्थापन अब क्रिया क्या है? तो वे अब क्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच, वे अब क्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एक है Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2। इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, ये पदार्थ यहाँ चला जाएगा और ये पदार्थ यहाँ चलाएगा, तो आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा, बाकी सब बराबर क्या बन जाएगा, NaCl, NaCl। तो यहाँ पर दो Na है और दो Cl है, तो दो से गुणा प्लस क्या बचा है, BaSO4 बन गया। तो फिर ये पदार्थ इसके साथ जुड़ गया और ये इसके साथ जुड़ गया, तो बन गया हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अगला है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो फिर जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित, यानी एक अभिकारक की वृद्धि और एक अभिकारक में कमी हो जाती है, तो उसे बोलते हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, यानी योग और ह्रास। तो जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, तो उसे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जिन अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन साथ होता है तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन अगर दोनों एक साथ हो रहा है तो उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो फिर उपचयन यानी वृद्धि होगी, वृद्धि, अपचयन मतलब कमी होगी। उदाहरण से देखते हैं तो क्या है उदाहरण, O प्लस H2। तो इधर क्या हो गया, CU इधर प्लस, ये ऑक्सीजन जल के साथ हाइड्रोजन के साथ लगेगा तो जल बन जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, CuO था और इधर CU अकेले बच रहा है और इधर H2 अकेले था और इधर H2O हो गया है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक की तो कमी हो रही है और एक की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर CuO था तो CU अकेले बचा तो कमी हो गई,
यस टू था, यस टू हो गया तो वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गई तो वृद्धि हो गई तो उपचयन, वृद्धि हो गई तो उपचयन, और इधर कमी हो गई तो अपचयन यानी अपचयित हो गया है ऑक्सीजन, इसमें से ऑक्सीजन अपचयित हो गया है तो अपचयन। और ऐसे है जिंक ऑक्साइड ZnO, ZnO प्लस कार्बन, तो बन गया है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ZN। तो इसमें क्या हो रहा है, इधर ZnO था तो इधर ZN अकेले बचा है, इधर C अकेले था, इधर CO हो गया है, तो फिर इसमें कमी हो रही है तो अपचयन, जिंक ऑक्साइड का अपचयन, और यहां पर कार्बन अकेले था तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया है तो इसका उपचयन हुआ है, उपचयन यानी वृद्धि हुई है। तो अगली अभिक्रिया जो हम दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं को प्रभावों को देखा है उसे बोलते हैं संक्षारण और विकृत गंधिका, यानी संक्षारण और विकृत गंधिता जिसको हम दैनिक जीवन में देखते हैं। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण यानी क्षरण होना, संक्षारण जब हम लोग देखते हैं कि जैसे लोहा हो गया उसको हम रख देते हैं फिर फेंक देते हैं तो उसमें कुछ समय बाद देखते हैं तो उसमें जंग लग जाता है और लोहे का क्षरण हो जाता है तो उसे बोलेंगे संक्षारण। और वो किसकी वजह से हुआ था, नमी हवा और आसपास के अम्लों की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे कि जब कोई धातु संक्षारण क्या जब है, कोई धातु, जब कोई धातु नमी, अपने आसपास के अम्ल जैसे कि नमी और वायु, अम्ल नमी और वायु के संपर्क में आती है तो उसका क्षरण होने लगता है। उसका क्षरण होने लगता है तो इस घटना को संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी और वायु के संपर्क में आती है तो उसका क्षरण होने लगता है, जैसे कि लोहा हो गया इस पर जंग लगने लगता है, पुल हो गया पुल में भी जंग लगने लगता है, और लोहे की रेलिंग जहाज तथा धातु। तो इन पर जब बारिश में आप लोग देखते हैं जब उस पर बारिश हो जाती है या फिर उस पर पानी लगातार गिरता रहता है और हवा खाता रहता है तो उस पर जंग लगने लगता है, और जब पुराना भी हो जाता है तो उसमें भी जंग लगने लगता है तो उसका क्षरण होने लगता है यानी वो खराब होने लगता है, तो इस घटना को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है,
चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत। जैसे और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। अधिकतर लोहे की जो वस्तुएं बनी रहती हैं उसमें देखा जाता है कि उसका बहुत ही जल्दी से क्षरण हो जाता है। लोहे में बहुत जल्दी जंग लग जाता है और क्षरण होने लगता है। तो जब कोई धातु अपने आसपास के अम्लों, नमी और वायु के संपर्क में आती है तो उसका क्षरण होने लगता है। तो इस घटना को संक्षारण कहते हैं। तो अगला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता विकृत गंधिता अर्थात तैली, यानी जो वस्तुएं तेल की या फिर वसा की बनी हुई होती हैं, अगर हम उसको कुछ दिनों के लिए रख देते हैं और वो हवा के संपर्क में आती रहती है तो गंध और स्वाद में उसके परिवर्तन हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं विकृत गंधिता। जब किसी वसायुक्त अथवा तेल से बनी वस्तुओं को, यानी खाने योग्य सामग्री को हम रख देते हैं तो वह वायु के संपर्क में आने से उसके स्वाद और गंध में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। आप लोग रिफाइंड की बनी चीज़ों को खाए होंगे तो उसको अगर आप कुछ दिनों के लिए रख देंगे तो पता चल जाएगा कि विकृत गंधिता का एक जबरदस्त उदाहरण। तो क्या लिखेंगे, जब कोई तैली अथवा वसायुक्त खाद्य सामग्री जब कोई तैली अथवा वसायुक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक, यानी कुछ दिनों के लिए रख देते हैं रखा जाता है तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। यकीन ना हो तो फिर रिफाइंड से बनी खाद्य सामग्री को कुछ दिनों के लिए रख दीजिए, उसके बाद उसकी गंध और स्वाद को टेस्ट कीजिए तो उसका उदाहरण एकदम स्पष्ट रूप से
प्राप्त हो जाएगा। तो जब कोई तैलीय अथवा वसा युक्त खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखा जाता है, यानी जिसमें जो वस्तु तेल की बनी हो अथवा वसा युक्त हो, तो उसे हम कुछ दिनों के लिए यानी लंबे दिनों के लिए रख दें, तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन युक्त जो चिप्स की एक पन्नी होती है, जिसमें चिप्स भरी रहती है, उस पन्नी में नाइट्रोजन गैस भर करके पैक करते हैं ताकि वह हवा के संपर्क में ना आए। जैसे इसको हम नाइट्रोजन इसमें नाइट्रोजन को भर करके पैकेट में पैक करते हैं ताकि वह हवा के संपर्क में ना आए, नहीं तो उसमें भी तेल की बनी होती है तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए नाइट्रोजन गैस भरते हैं। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में हाइड्रोजन के स्थान पर नाइट्रोजन क्या हो? हाइड्रोजन के स्थान पर नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? तो फिर क्यों भरते हैं? ताकि नाइट्रोजन गैस इसका चिप्स का उपचयन ना कर सके। चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में हाइड्रोजन के स्थान पर नाइट्रोजन क्यों? तो फिर इसीलिए भरा जाता है, क्योंकि ताकि चिप्स का उपचयन ना हो, नहीं तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन या फिर हवा के संपर्क में आएगी तो वह खराब हो जाएगी और उसमें से गंध और स्वाद में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हमारा विकृत गंधिता के साथ साथ ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। और इसमें एक प्रश्न है छोटा सा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो
विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो प्रश्न पूछ रहा है कि जब लोहे की कील को यानी आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, यानी आयरन को कॉपर सल्फेट के मिश्रण में विलयन में डुबोएंगे तो क्या बनेगा? ये आयरन कॉपर को विस्थापित करेगा और उसका स्थान स्वयं ले लेगा तो क्या बन जाएगा? या फिर SO4+Cu। तो क्या हुआ इसमें, क्योंकि क्योंकि ये आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, और कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। तो इसने पूछा था कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबोया जाता है तो उसका रंग क्या बदल जाता है? तो फिर ये हमारा विस्थापन क्रिया हुआ, कॉपर से अधिक क्रियाशील है लोहा और उसको विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेगा, इसीलिए विलयन का रंग बदल जाता है। तो आज के लिए धन्यवाद, आगे की चर्चाएं कल करेंगे।